टेढ़ी खीर है ये ठग लोग, सीधी तरह से नहीं फंसने वाले। मतलब? मतलब इन्हें वहां जाकर ही तोड़ना पड़ेगा मयंक। हम जान सकते हैं उस चंपा चमेली को हमारा नंबर कहाँ से मिला? आसमान से टपका है का? हाँ हाँ यही समझ लो, तुम्हें तो हर बात पे शक करने की आदत है। अरे अकल की दुश्मन, तुमको याद है कि नहीं हम उनको कॉल किए थे चकमा देने के लिए, अब सेव कर लिया होगा उन्हें। अरे हम तो कहा था छोड़ो उस चंपा को, कोई मोटा मुर्गा ढूंढो और एक साथ ढेरों माल लपेटो। आहा अब किए है ना अक्कल वाली बात। तो सच्चा तैयार है? हाँ, हाँ। नहीं क्या चच्चा, अब ई ना कहना कि ई लड़की के खातिर तुम अपना मन बदल लिए हो। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ बात इतनी सी है कि नहीं हमार कहने पर ही मन बदला है। ऐसा है चंपा चमेली या गेंदा, जो भी तुम्हारा नाम है, क्या भरोसा है कि जो अब तुम हमारा उल्लू नहीं काटोगी? ठीक है तुम्हारी मर्जी, मन हो तो भरोसा करो, नहीं तो नहीं। हम तो भाई अपने उसूलों पर चलते हैं, सब चोरों का उसूल होता है, तुम्हारा है कि नहीं पता नहीं, और वैसे भी अब हम तुम सबको का उल्लू बनाएंगे, सारा पैसा तो पहले ही लूट लिए हैं। अरे तुम जैसा का है, तुम जैसे तो आग से काजल निकाल ले पता तक ना चले। स्टैंडर्ड है हमरा, समझी? कुछ करते धरते तो हो नहीं, यूं ही मुहावरे झाड़ने से जिंदगी में कुछ नहीं होता। एक हम है कि तुमका चांस दे रहे हैं विदेश में चोरी करने का, और तुम हो कि हम ही पर शक कर रहे हैं। उसका तो ना, चुप भी हो जाओ। तुमको अमीर नहीं बनना है ना तो मत बनो। अरे हमारे चानस का काहे मर्डर कर रही हो? ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अरे जरा सोचो, विदेश में रहने को मिलेगा, फॉरेन में। हाँ 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 फॉरेन, फिर फॉरेन के ही जेल में चक्की पीसना और तब रोते रहना। फिर वही सच। अरे आगे की सोचो, अरे तुमका कोई चानस दे रहा है तो और तुम ठुकराए रही हो। अरे बुड्ढे तुम काहे नहीं बस, बस बस बहुत हो गया तुम लोगों का, आपस में ही झगड़ रहे हो। हमका नहीं ले जाना तुम जैसा आइटम को अपने साथ, किसी और को ढूंढ लेंगे। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, राम जाने जिंदगी में कभी जेबा भी ढंग से काटे हो के नहीं, बस नाम के ठग हो बुड़बक कहीं के। हे भगवान, आई होप ये लोग हाँ बोल दे। अरे एक बार गए नाव के साथ तो फिर हमार तरफ मुड़ के भी मत देखना। बेवकूफ, ये मौका हाथ से मत जाने दो। अरे बुड्ढे, कुएं में जान देनी है तो वहीं जाकर मरो। अरे इनकी तो खिटपिट ही नहीं खत्म हो रही है, क्या करूं, सारी मेहनत बेकार गई। हे भगवान मेरी मदद करो। काफी देर हो गई, अब तक तो गुंजन को आ जाना चाहिए था। आई होप कि वो नथुलाल के घर से निकल गई हो। हमने कहा था ना तुम सब सिर्फ बातों के ही शेर हो, कुछ किया जाता तो है नहीं। बुद्धू कहीं के, ए किसने कहा हम बुद्धू हैं? तुमसे ज्यादा ठगी और फिरौती किए हैं, वो भी बचपन से, समझी? अरे जाओ जाओ, लंबी लंबी फेंको मत। हम नहीं फेंक रहे हैं, हम चोरी करते हैं क्योंकि उससे हमारा रोजी रोटी होता है। हाँ रहने दो, हम तो आज तक तुम सबको कुछ भी सॉलिड वर्क करते हुए नहीं देखे हैं, बस आपस में ही झगड़ते रहते हैं। एक छोटी मोटी लाला के यहाँ चोरी किए थे बस। ओ तुमको लगता है हमारे पास एक ही तरीका है? वो जानती हो ना सहरी बाबू, गोरा चिट्टा, उका हम फंसाए हम, और वो भी दो ही मिनट में। यो कौन
कौन जानत है कि तुम लोग फंसाए हो? झूठ काहे बोलेंगे हम? अरे उससे 1,00,000 रुपया भी ले चुके हैं और 6,00,000 वो लेके आने वाला है, तुम देखना वो जरूर आएगा। हाँ हाँ बड़ा फंसाए हो, तुम सबका नाटक हम जानते हैं, रोना धोना किए होगे उसके सामने और वो बेचारा फिसल गया होगा। बस भीख नहीं लेते हैं, अपनी मेहनत का खावत है समझी ना, और वो लड़का को पूरा प्लानिंग से फंसाए थे हम, डरा के धमका के। हाँ डराया धमकाया, अच्छा कैसे? अरे हम बताते हैं तुमका। अरे चुप हो जाओ मंदिरा, हमारा प्लान नहीं बताओ का? अरे प्लान होगा तो बताएंगे ना। हाँ अरे तुम चुप रहो, हम बताते हैं प्लान। हमने प्लान किया था वो दिन का हुआ, वो सड़क पे आए रहा था हाईवे पे, और हम यहाँ दूल्हा बाराती सब तैयार रखे थे बैंड बाजा के साथ। बुलाएगा यही ये, हम क्या करें? सड़क पे यहाँ हम खिला बिछाए दिए, उसका गाड़ी आया और गाड़ी का कंट्रोल छोड़ दिया। हाय राम, एक्सीडेंट हुआ, खून किए हैं तुम सब? हम ऐसे नहीं हैं। हाँ लोगों को ठगे हैं, लेकिन ई मारा मारी खून मर्डर ई सब हम नहीं करते। सॉरी हम तुम जैसा खूनी लोगों का साथ काम नहीं कर सकते हैं, चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम भी तुहार जैसे ठग हैं, कोनो खूनी नहीं हैं। अरे किसी को नहीं मारे आज तक। अच्छा? अरे टेंशन नहीं लो बिटिया, वो कहा है कि वो जो मरा था ना वो हमारा आदमी है, वो मरने में एकदम एक्सपर्ट है, कोनो गाड़ी हो झट से ऊके नीचे आ जाते, वो मरने की का एक्टिंग करत है, एकदम रियल लगत है। पर मजाल है उनको कोनो खरोज भी आ जाए। क्या बात है उसने? ए उठे इस चालू चंपा के बात में ना आओ, मुंह में राम और पगल में छुरी है ही। अच्छा वो सब कुछ छोड़ो, ई देखो फोटो, हम विदेश में कहां कहां ठग करके आए हैं। ई देखो हमरा गाड़ी विदेश में है, देखो और ये देखो मिडिल ईस्ट वाला का फोटो है, ये भी और ये देखो फोटो, हम हिया रहेंगे। फाइव स्टार नहीं नहीं 7 स्टार है, जो भी हो कोई स्टार होटल है। ये देखो राजा महाराजाओं की तरह रहेंगे यहाँ। अरे वाह, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो, मैं ही जाके देखता हूँ। अरे होटल नहीं, ये तो महल लगत है। हाँ का भरोसा है इका? कौन जाने ऐसा होटल है भी या नहीं, और इका का गारंटी है कि ये ले जाएगी भी या नहीं। अरे तुम अपने टेप रिकॉर्डर बंद करोगी कि नहीं? जल्दी करो गुंजन, नहीं तो पकड़ी जाओगी। एक्सीडेंट में मारा गया आदमी जिंदा है, उसका सबूत ढूंढो, तभी मैं बच पाएगा। इसको छोड़ो, काम की बात सुनो। पासपोर्ट और टिकटवा के खातिर एक मोटा मुर्गा मारना होगा, शाम को मोटा मुर्गा लेकर आएंगे, तैयार रहना। तैयार रहना हा? अब यही बाकी है कि हम लोग इनके गहने पे चलें। तो मत चलो, एक काम करते हैं चाचा, इसको यही रहने देते हैं, क्या बोलते हो? इलो मार फोटोस सबका, वो कहा है ना कि हम सब साथ में काम करते हैं, बस तुम तो है ना और हम चारों का है ना पासपोर्ट बनवाए दो, हम तुहार साथ हैं।
अब हो गए हम पांच पांडव। चचा ये फोटो अपने पास ही रख लो, एक पांडव कम होगा हमका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसका मन नहीं उसकी जरूरत हमको ना है, वो घर बैठे, हम चलते हैं। चलते हैं चचा। बैठो घर में। भीजा है या कबाड़े की दुकान? किसने कहा था उस चंपा को सब कुछ बता देने को? एक ही मुलाकात में इतना भरोसा हो गया तुम दोनों को ऊपर? हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा तुम तो बोलो मत। छोटा छोटा हाथ मारने वाली को लंबा लंबा हाथ मारने वाली से जलन हो रही है ना? अरे बहरा गए हो तुम सब, जब सर के बल गिरोगे ना तब पट्टी कराने हमसे मत आना। नहीं आएंगे। हमने भी ठान ली है चंपा चमेली का पीछा करके उसकी असलियत जान का ही रहेंगे। खुद चंट औरत है वो। गुंजन तुम निकली कि नहीं? मैंक, मैं बस पहुंच ही गई हूँ। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। नहीं नहीं मैंक, मैं बस पहुंच ही गई हूँ, तुम मत आना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। आओ। गुंजन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, काटा लग गया। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। नहीं मैं, प्लीज रूम कम, मैं आ रही हूँ, बाय। फोन कट कर दिया। देखा चंपा हो गई, चंपा चमेली कहीं की। गुंजन ठीक हो ना गुंजन? हाँ मेरी तो जान ही निकल गई थी। एकदम ठीक हूँ मयंक, मेरा निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा है। उन लोगों ने मुझे अपनी सारी प्लानिंग बता दी, अपने ठगने के सारे तरीके। मयंक वो लोग एक नंबर के भैरूपी हैं। ये देखो उन लोगों ने अपनी फोटोग्राफ्स भी दी हैं पासपोर्ट के लिए।
भगवान, यही कहा वही गवा, हमारे दामाद को उठा लिया। I can't believe this, Gunjan. ये कैसे हो सकता है? क्या? ये आदमी? ये उनके साथ काम करता है? साथ है नहीं Gunjan, साथ था। साथ था? Gunjan ये वही आदमी है जो उस दिन एक्सीडेंट में मर गया था। मैंने अपनी आंखों से इसे मरे हुए देखा है Gunjan। इसका चेहरा खून से लथपथ था। लेकिन ये कैसे हो सकता है मैं? मतलब मैंने इसको उन लोगों के साथ देखा है। उस दिन जब फेक रेड की थी ना, तभी उन्हीं के साथ था। मयंक, इसका मतलब हम बच गए। मयंक, ये आदमी मरने का नाटक कर रहा था। We have proof. और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन लोगों ने ये सब कुछ मुझे खुद बताया है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मतलब अब कोई भी तुम्हें गुनहगार नहीं साबित कर सकता है मयंक। हम बच गए हैं। यानी कि मेरे शक सही था। ना तो ये कोई चंपा है और ना ही का कोई प्लान। यहाँ तो ये दोनों बिल्कुल हमारे वालों सीधा करने में लगे हैं। अब धोखा दिखाते हैं चंपा कि कौन कितना पानी में है। चलो मयंक, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो सुनी वो लुच्ची, एक नंबर के फ्रॉड है, फ्रॉड। ये क्या कर रही हो तुम? सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। किसी फिल्म की कहानी बता रही हो क्या? अरे मोटी कहानी नहीं, सच्चाई बता रही हूँ। चंपा का पीछा किया था और उसे वो शहरी बाबू के साथ देखकर आई हूँ। क्या मतलब? मयंक के साथ में? हाँ। Gunjan, क्या बात है बताओ मुझे। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं। तुम इतनी रेसलेस तभी होती हो जब तुम्हारे मन में कोई परेशानी होती है। तो बताओ मुझे क्या बात है, बताओ ना। मयंक, मैं नथुलालन कंपनी से कहकर आई हूँ कि मैं भी उनकी तरह ठग हूँ, इनफैक्ट उनसे बेटर। मगर क्या? मगर इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे एक अमीर और फेमस आदमी की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो लोग उसे भी उसी तरह लूटे जैसे उन्होंने तुम्हें लूटा था। ओह गॉड Gunjan, तुम पागल हो गई हो क्या? एक पे एक रिस्क लेते चली जा रही हो। प्लीज जस्ट फॉरगेट इट नाउ, छोड़ दो उसे। नो मयंक, मंजिल के इतने करीब आने के बाद मैं रुकने नहीं वाली हूँ। कोई तो ऐसा आदमी होगा जो हमारी इस प्लान में मदद करेगा। रिच एंड फेमस। मिल गया, yes. अरे Gunjan क्या हो गया? कौन मिल गया? रिच एंड फेमस आदमी। कौन? हे कबीर, मेरे लेटेस्ट पोर्टफोलियो की पिक्चर्स देखना है? वो नील थॉमस है ना, दैट फैशन फोटोग्राफर, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। कहने लगा सोनल प्लीज प्लीज मेरे साथ एक पोर्टफोलियो शूट कर लो। सो फाइनली बिफोर कमिंग टू इंडिया आई डिड दिस सेशन विद हिम एंड द पिक्चर्स आर लाइक सो सुपर्ब ना।
I'm so sorry. Actually, I'm not sorry. Oh my, my, my God. ये लहंगा है या चांद का एक टुकड़ा? This is so beautiful, Kabir. You are a genius. Thank you. चल, आ जाइए. हेलो. हेलो, हम रचना बोल रहे हैं. हाँ रचना, बोलो. कबीर थोड़े बिजी है, कोई मैसेज है? एक्चुअली हमें केटी से कुछ जरूरी बात करनी है, उन्हें फोन दीजिए ना प्लीज. अच्छा, ऐसा क्या मैसेज है जो तुम मुझे नहीं दे सकती सिर्फ कबीर के गानों के लिए? हाँ प्लीज उन्हें फोन दीजिए ना. ओके, आपकी असिस्टेंट सिर्फ आपसे बात करेगी. या मिस कर्क, आपसे गुंजन और माइंग भैया आप दोनों मिलना चाहते हैं. क्या आप हमारी मदद करेंगे?